ये बात सच है ना कि आपने एक एक्टर को डेट किया था? हाँ वो बहुत टेरिबल एक्सपीरियंस था, वो टेरिफिक एक्सपीरियंस था. टेरिफिक एक्सपीरियंस. ही वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई रियली रियली एंजॉयड दैट रिलेशनशिप. इनफैक्ट आई थिंक कभी कभार ऐसा होता है कि आई एम अ वेरी बिग बिलीवर कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आता है दे कम फॉर अ रीज़न, यू नो. एंड दिस रिलेशनशिप रियली इट वाइडेंड माई होराइजन्स. इट रियली मेड मी एंथुजियास्टिक अबाउट माई क्राफ्ट. एक बहुत इंटरेस्टिंग कम्पेटिटिव, हाँ. एंड देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग कम्पेटिटिव स्पिरिट. एंड आई थिंक ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद माई पार्टनर अंडरस्टूड द नेचर ऑफ माई वर्क and what it meant to be, to feel the downs, to feel the ups, Bilkul. All of that. So it was a lovely relationship and I was heartbroken when it ended. Aapne end kiya ya unhone? I think it was just one of those things where his career was taking off and he wanted to kind of pursue it, and there's another unfortunate reality about our industry where we think ki जब तक आप सिंगल हो तभी तक तभी लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे. काम आई डोंट नो व्हाट द कोरिलेशन बिटवीन वैल्यू बहुत हाई रहेगी, आप वांटेड रहेंगे. एंड आई हैव बीन द टोटल ऑपोजिट ऑलवेज. आई हैव बीन ओपन अबाउट एवरीथिंग क्योंकि आई डोंट लाइक टू कॉम्प्लिकेट माय लाइफ. आई थिंक इट्स बेटर टू. छोटी सी बात ने इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप को तबाह कर दिया. हां So but it's good because if that hadn't ended, I wouldn't have met Sahil. बिल्कुल सही बात. So everything happens for the best. So Sahil आपकी ज़िंदगी में कैसे आए? घोड़े पर आए या मोटरसाइकिल पे? फ़ोन कॉल किया था उन्होंने और उनकी आवाज़ मैंने सुनी और प्यार हो गया. मतलब आई थिंक आई जस्ट हैड लाइक अ मैसिव क्रश ऑन दैट वॉइस एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड. He just had this way of speaking. Itni tehzeeb, gentlemanly tarika. Yeah, he was a thorough gentleman on the phone, and the way he spoke with me, we wanted to set up an appointment to come and meet me to narrate a film to me. Okay. And he came. वो आपके साथ फिल्म बनाना चाहते थे. उन्होंने मुझे फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं, डायरेक्टर के तौर पर नहीं. He wanted to cast me in his film. Oh. Yeah. और आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए. विद अ फिल्म कॉल्ड कुछ इस तरह. कुछ इस तरह. तो वो फिल्म बनी नहीं? हाँ, कुछ और बन गया. कुछ और बन गया. लव ब्रेकअप जिंदगी. बट हाउ नाइस. जिंदगी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. एब्सोल्युटली. कोइंसिडेंसेस ही हमारे जिंदगी की डेस्टिनी होते हैं. एब्सोल्युटली. और साहिल में और आप में क्या सिमिलैरिटीज हैं? आई नेवर फॉरगेट दिस अतिका. व्हेन आई फर्स्ट मेट साहिल एंड आई स्टार्टेड गेटिंग टू नो हिम, पहले तो मैंने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी, सुनी, उन्होंने मुझे सुनाई. वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही आई थिंक आई फेल्ट लाइक दिस रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हिम. बिकॉज उस फिल्म में जो सादगी थी, लेकिन उसके साथ जो उस फिल्म की जो इमोशनल कोशन थी, दैट वॉज वेरी यूनिक. आई हैडन्ट हर्ड सच अ मैच्योर एंड सच अ ब्यूटिफुली ऑनेस्ट इमोशनल फिल्म. एंड आई केप थिंकिंग टू माई सेल्फ कि अगर ये इंसान ऐसे लिख सकता है तो इसकी सोच यही है, विच इज़ वॉट मेड हिम वेरी अट्रैक्टिव टू मी. एंड द फैक्ट विद मी इज़ दैट मैं कभी भी एक इंसान के मतलब सिर्फ लुक्स से अट्रैक्ट नहीं हुई हूँ. आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनका हाँ, और उनकी सोच सबसे ज़्यादा. एंड हाउ ही ट्रीट्स अदर पीपल, यू नो, उससे बहुत कुछ समझने को मिलता है इंसान के बारे में. सो आई रिमेम्बर टेलिंग माई मदर आफ्टर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, टॉकिंग टू हिम अबाउट. आई रिमेम्बर हमारा पहला कॉन्वर्जेशन था अबाउट अ बुक दैट अरुंधति रॉय हैड रिटन कॉल्ड द एंड ऑफ इमेजिनेशन. एंड ही प्लेड स्क्रैबल एंड आई लव प्लेइंग स्क्रैबल. सो वी हैड प्लेड अ गेम ऑफ स्क्रैबल एंड आई वाज सो डिस्ट्रैक्टेड बाय हिम दैट आई लॉस्ट एंड आई कुडंट गेट ओवर द फैक्ट दैट आई हैड लॉस्ट. आई वाज सो इरिटेटेड विद माय सेल्फ. आई वाज लाइक आई कांट बिलीव आई लॉस्ट टू हिम ऑफ ऑल पीपल. एंड या एंड आई टोल्ड माय मदर. आई सेड आई फील लाइक आई हैव मेट समबडी हु इज अ पार्ट ऑफ मी. सो ही एक्चुअली इनिशियली इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक ही वाज माय ऑल्टर ईगो.
not my alter ego, but almost like a reflection of myself. And that can be very attractive. Because I think all of us kind of look for friendships bhi jab hum logon se dosti bhi karte hain to hamari jo commonalities hai wahi humko pehle jodti hain and then of course we discover our uniqueness after that I discovered how unique he is so initially the attraction really was that oh we have similar thoughts we are attracted to similar things we have similar values most importantly tell me one thing aap mein bahut potential hai hamesha se raha hai lekin mujhe ek go-getter in me. Until I met Sahil, I used to get very easily affected by things and I used to get very easily doubtful of myself. I think what Sahil did was really empower me to respect myself. He's encouraged me to become the person that I am, like, you know, constantly reach out to my potential. Unse milne ke baad, I started writing. I started voicing opinions, which uske pehle main shayad kabhi nahin karti thi. And I think I've won more awards outside of film in the last 8 years for all the other things that I've done with my life than perhaps I would have or did while, you know, I wasn't in this relationship. Very nice. So, aapki relationships lambi chalti hain. Everybody, you know, who I am a loyalist. I am. It takes, like Sajjad bhai, jo hamare driver hai, he's been with me from the first year that I moved to Bombay. Sach mein? Ji. He's been working with me for 15 years now. So, wo ek parivar ka hissa hai. I'm a full on loyalist. Main chahti hu. But you can say that about you and me also. Yes! We know each other for 14 years. Almost 14 years? Wow, yaar. Yeah. Diya, aapko yaad tha, mujhe to 14 yaad bhi nahi tha. Aapko yaad hai. Wow, yaar. Thank you for being my friend for so long.